वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फोर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेंट्रल इस्लामिक लैंड सो जैसा कि चैप्टर का नाम पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में हम इस्लामिक रिलीजन के बारे में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में उस लैंड उस जगह के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस्लामिक रिलीजन का सेंटर हुआ करता था इसलिए चैप्टर का नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड हम ऐसे जगह के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से इस्लामिक रिलीजन की शुरुआत होती है जहाँ से इस्लामिक रिलीजन अराइज होता है सो नाउ लेट स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि जैसे ही हम लोग ट्वेंटी सेंचुरी में एंटर करते हैं जैसे ही ट्वेंटी सेंचुरी की शुरुआत होती है अगर आप मुस्लिम्स की पॉपुलेशन देखेंगे इन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आपको करीब ओवर वन बिलियन मुस्लिम्स पीपल देखने को मिल जाएंगे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंट्रीज में जो कि इस्लाम रिलीजन को वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन बनाती है फर्स्ट पोजीशन में क्रिश्चियनिटी है विथ मोर देन टू बिलियन क्रिश्चियन पीपल एंड थर्ड पोजीशन में हिंदू है सो so, आपको मुस्लिम्स पीपल वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज में मिलेंगे जो कि अलग अलग नेशंस के सिटीजन्स है अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं एंड अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल भी होता है दैट मीन्स की ज़रूरी नहीं है कि हर एक मुस्लिम का सेम लैंग्वेज हो सेम ड्रेसिंग स्टाइल हो अलग अलग कंट्रीज़ के मुस्लिम्स पीपल अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं एंड अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल भी होता है इनफैक्ट मुस्लिम बनने का जो प्रोसेस है उसमें भी कभी कभार हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है बट एक चीज़ जो हर एक मुस्लिम पीपल को यूनाइट करती है हर एक इस्लामिक कम्युनिटी को यूनाइट करती है वह है उनका कॉमन पास्ट जो कि शुरू होता है 1400 हंड्रेड अगो पहले इन द अरेबियन पेनसुला सो अरेबियन पेनसुला में 1400 हंड्रेड ईयर्स अगो पहले इस्लामिक रिलीजन की शुरुआत होती है इस्लामिक रिलीजन का अरज़ होता है सो so, इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में, में पढ़ेंगे अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम इस्लाम रिलीजन का राइज़ कैसे होता है एंड इट्स एक्सपेंशन और इस्लाम रिलीजन कैसे फैलते जाता है ओवर अ रॉस टेरेटरी एक बहुत ही बड़े टेरेटरी में जो कि इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये जो वास टेरेट्री है वो एक मेन सेंटर बन जाता है एक मेन एरिया बन जाता है इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो कि 600 से लेकर ट्वेल्व सेंचुरी के बीच में होता है दैट मीन्स 600 से लेकर 1200 हंड्रेड सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में इस्लामिक रिलीजन का एक्सपेंशन होता है सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नाउ लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट पॉइंट सो इस पॉइंट में मेनली हम उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें अर्ली इस्लामिक रिलीजन के बारे में अर्ली इस्लामिक कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है सो so बहुत सारे सोर्सेज है टू नो अबाउट द इस्लामिक रिलीजन सो पहला सोर्स है क्रॉनिकल्स सो so, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है पास्ट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखना मतलब पास्ट में जो भी इवेंट्स वगैरह हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना उसको क्रॉनिकल्स कहा जाता है एंड ये जो क्रॉनिकल्स थे वो मेनली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे गए थे दैट मींस वो टाइम के अकॉर्डिंग लिखे गए थे टाइम के ऑर्डर में लिखे गए थे सो so, क्रॉनिकल्स को अरेबिक लैंग्वेज में तवारीक कहा जाता है आपको इस चैप्टर में बहुत सारे अरेबिक वर्ड्स में मिलेंगे सो so, क्रॉनिकल्स के अलावा और भी सोर्सेस है जैसे कि सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स जो कि इंक्लूड करता है बायोग्राफीज जिसको सिरा कहा जाता है अरेबिक में सो so, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की जीवनी के बारे में लिखना उसके जीवन की रचना करना सो so, उस टाइम में जो भी इस्लामिक लीडर्स रहे होंगे जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद जो कि अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड मानते थे सो so, प्रॉफिट मोहम्मद के बायोग्राफी के बारे में पढ़ के और भी बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स के बायोग्राफीज को पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है अबाउट द इस्लामिक रिलीजन अबाउट द अल्ली इस्लामिक कल्चर सो बायोग्राफीज के अलावा जो प्रॉफिट मोहम्मद के सेंग्स एंड डूंग्स होते थे उनको भी रिकॉर्ड किया जाता था सेंग्स एंड डूंग्स का मतलब है प्रोफिट मोहम्मद जो भी अपने टाइम में जो भी अपने फॉलोवर्स से डिस्कर्स करते थे जो भी उपदेश वगैरह देते थे अबाउट द इस्लामिक रिलीजन एंड जो भी वो काम वगैरह करते थे उन सब को रिकॉर्ड किया जाता था जिसको हदित करते हैं इन अरेबिक लैंग्वेज सो इन रिकॉर्ड से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट दिस रिलीजन साथ ही जो कुरान है जो कि इस्लाम का होली बुक है जिसको आ, आ, अरेबिक में तफसीर कहा जाता है सो so, कुरान में जो भी कमेंट्रीज किया गया था कमेंट्रीज़ का मतलब अपना रिव्यू देना अपना एक्सप्लेनेशन देना सो so, कुरान के ऊपर जो भी दूसरे लीडर्स ने अपना जो रिव्यू दिया था उनको भी पढ़ के हमें इस कल्चर के बारे में इस रिलीजन के बारे में नॉलेज होता है सो क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स के अलावा हमारे पास लार्ज कलेक्शन ऑफ आई विटनेस रिपोर्ट्स भी है जिसको अखबार कहा जाता था सो आई विटनेस रिपोर्ट वो रिपोर्ट्स है जो कि मेनली ऑरली या फिर ऑन पेपर ट्रांसमिट होते आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स जिस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद थे उस टाइम पे जो कुछ भी वो अपने फॉलोवर्स से डिस्कर्स करते है, थे अबाउट द इस्लामिक रिलीजन जो भी उपदेश वगैरह वो अपने फॉलोवर्स को देते थे वो क्या करते थे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्ली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होते गए एंड दूसरे से तीसरे ऐसे करके जनरेशन टू जनरेश वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो नॉलेज वो पास होते गया, ट्रांसमिट होते गया सो so ये जो रिपोर्ट्स है इनसे भी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट दिस रिलीजन बट जो मुस्लिम राइटर्स जो मुस्लिम स्कॉलर्स है जिन्होंने इस्लामिक रिलीजन के बारे में डिटेल वे में पढ़ना चालू किया इस्लामिक रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किया उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि ये जो आई विटनेस रिपोर्ट है जो कि ऑरली ट्रांसमिट होते आ रहे हैं ये जो खबर है उसकी रियलिटी uh, क्या है मतलब ये जो खबर है वो सच भी है कि नहीं उसकी रियलिटी को भी उन्होंने चेक किया है उनको टेस्ट किया है बाई क्रिटिकल मैथड क्रिटिकल मैथड्स के थ्रू ताकि पता चले कि ये जो रिपोर्ट से ये जो खबर है वो रियलाइबल है कि नहीं मतलब हम लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं कई बार क्या होता है कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन बताते हैं एक पर्सन को फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है फिर दूसरा तीसरे ऐसे करके फैलता जाता है आपका इंफॉर्मेशन देन आप नोटिस करेंगे कि जो कुछ भी आपने फर्स्ट पर्सन को बताया है एंड जो कुछ भी लास्ट पर्सन ने सुना है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसेस आ जाता है मतलब जब इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होते हैं देन उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं सो so इसी लिए जो मुस्लिम राइटर्स थे उन्होंने इस बात का बहुत ही ध्यान रखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है अबाउट ऑरली उसका हम लोग रियलिटी भी चेक करें सो so वो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल थे इन सेलेक्टिंग देयर इन्फॉर्मेशन जो भी इस्लामिक रिलीजन के बारे में वो लोग इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर रहे थे उस टाइम वो बहुत ज्यादा केयरफुल थे बहुत ज्यादा सावधान थे एज कंपेयर टू देयर कॉन्टेप्रेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस में जो उनके कॉन्टेम्प्रेरीज थे उनके टाइम में जो दूसरे राइटर्स थे उनके उनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये मुस्लिम राइटर्स बहुत ज़्यादा केयरफुल थे जब वो इस्लामिक रिलीजन के बारे में जान रहे थे इन सब के अलावा हमें बता रखा है कि ज्यादातर जो क्रॉनिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल वर्कस है वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए थे फॉर एग्ज़ाम्पल तारीख़ ऑफ तबारी सो तारीख़ ऑफ़ तबारी एक वन नॉन अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया क्रॉनिकल है जो कि पर्शियन हिस्टोरियन मोहम्मद अल तबारी के थ्रू लिखा गया है सो so, ये जो तारीख ऑफ तबारी है उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इंटू थर्टी एट वॉल्यूम सो ये एक बेस्ट नोट अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया क्रॉनिकल्स है सो मुस्लिम क्रॉनिकल्स के अलावा भी हमारे पास और भी ऐसे क्रॉनिकल्स है जिससे हमें अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है फॉर एग्जाम्पल पर्शियन क्रॉनिकल्स सो पर्शियन क्रिकल्स का जो नंबर है वो कम है बट वो हमें डिटेल वे में आइडिया देती है अबाउट द ईरान एंड सेंट्रल एशिया जो कि उस टाइम में इस्लामिक रिलीजन का सेंटर हुआ करता था सो पर्शियन क्रॉनिकल्स के अलावा हमारे पास क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स भी है जो कि सीरिया लैंग्वेज में लिखे गए थे इनका जो अमाउंट है वो भी फ्यूवर है मतलब इसका भी अमाउंट कम है बट ये भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम अर्ली इस्लाम के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है सो so, क्रॉनिकल्स के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेस है जैसे कि लीगल टैक्स जियोग्राफिस ट्रैवल लॉग्स एंड लिटरेसी वर्क स्टोरी के माध्यम से भी हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है अबाउट द अली इस्लामिक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी है डॉक्यूमेंट्री इविडेंस भी है सो डॉक्यूमेंट्री इविडेंस मेनली इंक्लूड करते हैं फ्रेगमेंट्री पीसेस ऑफ राइटिंग मतलब उस टाइम पे जो भी राइटिंग वगैरा लिखे जाते थे उनके फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनके टुकड़े मिले है सच एज़ ऑफिशियल ऑर्डर्स सो उस टाइम पे जो भी ऑफिशियल ऑर्डर्स दिए जाते थे उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है टू नो अबाउट द इस्लामिक रिलीजन ऑफिशियल ऑर्डर्स के अलावा हमें प्राइवेट क्रॉसपॉन्डेंस भी मिला है क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स लेटर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ बात करना अब उस टाइम पर व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर ऐसे तो ऐप नहीं होते थे इनफैक्ट फ़ोन ही नहीं होता था सो so, अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कॉम्युनिकेट होता था बात करना होता था जो कि थोड़े दूर में रहते थे तो वो मेनली लेटर्स को एक्सचेंज करके बात करते थे सो so, उन प्राइवेट लेटर्स उन प्राइवेट जो भी कम्युनिकेशन करते थे उनके भी हमें कुछ फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनके भी कुछ टुकड़े मिले हैं सो so, ये सब भी एक मोस्ट वैल्यूबल जो है इंफॉर्मेशन uh, देती है एक मोस्ट वैल्यूबल सोर्स है टू नो अबाउट द अर्ली इस्लामिक रिलीजन सो so, इन सब के अलावा भी हमारे पास और भी एविडेंस है और भी सोर्सेज है जैसे कि एर्कोलॉजिकल सोर्सेस सो एर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है एर्कोलॉजिस्ट जो भी एक्सकेवेशन करती है जो भी खुदाई करती है डेजर्ट प्लेसेस में एंड जो कुछ भी उन्हें एक्सकेवेशन के थ्रू मिलता है उससे हमें पता चलता है नेक्स्ट इज न्यूमिसमैटिक सोर्सेज सो न्यूमिसमैटिक सोर्स का मतलब स्टडी ऑफ कॉन्स जो भी उस टाइम के कॉइन्स वगैरह मिले हैं एर्कोलॉजिस्ट को उनको स्टडी करके हमें पता चलता है अबाउट द इस्लामिक रिलीजन एंड इपिग्राफिक सोर्सेज यानी कि इंस्क्रिप्शन को स्टडी करके जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें उस टाइम में सो so उनको भी स्टडी करके हमें इस्लामिक रिलीजन के बारे में अर्ली इस्लामिक कल्चर के बारे में पता चलता है सो so, ये था सोर्सेज जिसके थ्रू हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट अर्ली इस्लामिक रिलीजन एंड इसी के बेसिस पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो भी लिखा गया है फिर बता रखा है कि इस्लाम के बारे में प्रॉपर वे में लिखने का जो काम है वो नाइनटीन सेंचुरी में स्टार्ट होता है एंड ये स्टार्ट कौन करता है नैदरलैंड एंड जर्मनी के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये जो टास्क ये जो काम है वो स्टार्ट करते हैं सो so, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक रिलीजन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं सो so, अगर आप ध्यान देंगे तो एटीनथ एंड नाइन्टीन सेंचुरी एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में जो यूरोपियंस थे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो दूसरे कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बनाना चाह रही थी दूसरे कंट्रीज़ में कब्जा करना चाह रही थी सो so, जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज है उनका जो इंट्रेस्ट था वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज एंड नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज में भी आ गई दैट मींस वो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज को भी अपना कॉलोनी बनाना चाह रही थी जैसे कि उन्होंने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया सो so, अगर कोई भी कंट्री है दूसरे कंट्री को कॉलोनी बनाना चाहती है तो सबसे पहले उसे उस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना जरूरी है सो so, इसी चाहत के साथ इसी मंशा के साथ जो फ्रेंच एंड ब्रिटिश रिसर्चर्स है उन्होंने भी इस्लाम को स्टडी करना चालू कर दिया क्योंकि उस जगह पे मे इस्लामिक रिलीजन होता था इस्लामिक रिलीजन का ज्यादा महत्व था इसीलिए वो लोग इस्लामिक रिलीजन के बारे में भी पढ़ने लगे साथ ही जो क्रिश्चियन प्रिस्ट होते थे वो लोग भी कुछ अटेंशन पे करने लगे टू नो अबाउट द इस्लाम इस्लाम के हिस्ट्री के बारे में जानने लगे सो so, उनका जो मेन मोटिव था मेन जो इंटरेस्ट uh, था वो ये था कि वो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम रिलीजन को कंपेयर कर सके कि दोनों रिलीजन में बेहतर रिलीजन कौन है सो so, मेनली वो उनका काम था बट इसके थ्रू उन्होंने कुछ गुड वर्क्स भी प्रोड्यूस की है सो विद दिस हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है ना लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया फेथ कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स सो so, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि अरेबिया में इस्लाम रिलीजन का राइज कैसे होता है इस्लाम रिलीजन का विकास कैसे होता है फिर हम देखेंगे कि इस्लाम कैसे एक फेथ बन जाता है एक बिलीव बन जाता है और धीरे धीरे कैसे एक इस्लामिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है अरेबिया में एंड पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है उस इस्लामिक कम्युनिटी में सो so, इन सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक सो शुरुआत में बता रखा है कि सिक्स एंड सिक्स के दौरान जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो ये पेश करते हैं ये सलाह देते हैं ये उपदेश तहत अरेबिया में रहने वाले लोगों को कि हमें सिंगल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए हमें एक ही भगवान को मानना चाहिए जो कि अल्लाह है साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि हमें सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स का मेम्बर होना चाहिए सदस्य होना चाहिए मतलब एक ही कम्युनिटी हो एंड उस कम्युनिटी में रहने वाले हर एक सदस्य जो है हर एक मेंबर जो है उसका जो बिलीव हो वो भी सेम हो मतलब वो इस्लामिक रिलीजन के ऊपर बिलीव रखता हो और अल्लाह को मानता हो और हम सभी को ऐसे ही कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए ऐसे ही कम्युनिटी का सदस्य होना चाहिए एंड इस सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स को उमा कहा जाता था सो so, यहीं से इस्लाम रिलीजन की शुरुआत होती है यहीं से इस्लाम रिलीजन का आरंभ होता है फिर हमें मोहम्मद के बारे में बता रखा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो एक अरब थे बाई लैंग्वेज एंड कल्चर दैट मीनस वो अरेबिया में रहते थे एंड वो एक अरेबियन थे बट अगर मैं बात करूँ कि उनका प्रोफेशन क्या था तो वो एक मर्चेंट थे यानी कि एक व्यापारी थे फिर बता रखा है कि सिक्स सेंचुरी के दौरान जो अरब कल्चर था अगर आप मैप में देखेंगे तो वो अरेबियन पेनसुला साउथन सीरिया एंड मेसोपोटामिया के एरियाज तक ही कन्फाइन था यानी कि सीमित था फिर चैप्टर में अरब के लोगों के बारे में बता रखा है सो so, जो अरब्स थे जो अरेबिया में रहते थे वो लोग मेनली ट्राइब्स में डिवाइडेड थे ट्राइब्स को कबीला कहा जाता है सो so, ट्राइब्स वे सोसाइटीज होती है जो कि ब्लड रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर आप मान लीजिए कि लार्ज फैमिलीज के कॉम्बिनेशन को ट्राइब्स कहा जाता है सो so, हर एक ट्राइब को एक चीफ कंट्रोल करता था एंड ये जो चीफ है उसको मेनली कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग इलेक्ट किया जाता था जैसे कि उसका फैमिली कनेक्शन मतलब कि फैमिली में उसका कनेक्शन कैसा है दूसरे लोगों के साथ साथ ही उसके पर्सनल करेज विजडम एंड जेनरिसिटी के बेसिस पे भी उसको इलेक्ट किया जाता था मतलब उसके पास कितना साहस है कितना करेज है उसके पास कितना विजडम यानी कि कितना नॉलेज है कितना बुद्धि है और वो कितना ज़्यादा दयालु है सो so, इन सब के बेसिस पे किसी भी ट्राइब के चीफ को इलेक्ट किया जाता था फिर बता रखा है कि हर एक ट्राइब का अपने अपने गॉड गॉडेसेस होते थे अपने अपने देवी देवताए होते थे एंड हर एक ट्राइब अपने अपने देवी देवताओं के आइडल को यानी कि मूर्तियाँ को वर्शिप करते थे अ श्राइन मंदिरों में अपने अपने देवी देवताओं के आइडल्स को अपने अपने देवी देवताओं के मूर्तियों की पूजा करते थे फिर बता रखा है कि बहुत सारे जो अरब ट्राइब्स थे वो नोमैडिक थे नोमैडिक का मतलब होता है वे लोग जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव है, करते हैं ट्रैवल करते हैं या फिर अपना सेटलमेंट जो है फ्रीक्वेंटली लगातार चेंज करते रहते हैं सो एक ट्राइब का नाम भी लिखा हुआ है वो है बेडविंस सो बेडविंस एक ट्राइब है अरब ट्राइब है जो कि नोमैडिक है सो वो मेनली क्या करते हैं ड्राई एरियाज से ग्रीन एरियाज तक मूव करते हैं सो so, यहाँ पे ग्रीन एरियाज का मतलब उन जगहों से है इन अ डेजर्ट प्लेस जहाँ पे आपको थोड़ा वाटर मिल जाएगा एंड बहुत सारे प्लांट्स वगैरह भी मिल जाएंगे सो so, ये जो नोमैडिक ट्राइब्स होते थे वो मेनली फूड की तलाश में मेली खजूर की तलाश में और अपने कैमेंस के लिए फोडर की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे फिर बता रखा है कि हर एक अरब ट्राइब्स जो होते थे वो नोमैडिक नहीं होते थे बल्कि बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे भी होते थे जो कि सिटीज़ में सेटल होते थे थोड़े डेवलप्ड एरियाज में सेटल होते थे साथ ही ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे फिर हमें प्रॉफिट मोहम्मद के ट्राइब के बारे में बता रखा है सो प्रॉफिट मोहम्मद का जो ट्राइब था उस ट्राइब का नाम था कुरियस ट्राइब एंड ये ट्राइब मेनली मक्का में रहते थे एंड ये मक्का में एक मेन जो शाइन है उसको कंट्रोल करते थे सो so, मक्का में एक बहुत ही पवित्र स्थान है जो कि लाइक स्ट्रक्चर है जिसको काबा कहा जाता है सो so, ये जो मेन शाइन है ये जो पवित्र स्थान है इसको कुरियस ट्राइब ही कंट्रोल करते थे एंड काबा में बहुत सारे गॉड गॉडेसेस के आइडल्स यानी कि मूर्तियां भी प्लेस किया जाता था सो so, बहुत सारे जो ट्राइब पीपल थे जो अरब ट्राइब्स थे जो कि मक्का के बाहर भी रहते थे वो लोग भी काबा को होली प्लेस मानते थे यानी कि पवित्र स्थान मानते थे और अपने अपने गॉड God, गॉडसेस के आइडल्स को मूर्तियाँ को उस मंदिरों में इंस्टॉल करते थे वहाँ पर रखते थे और साथ ही एनुअल पिलग्रिमेज भी करते थे टू द श्राइन यानी कि साल में एक बार वो लोग लो तीर्थ यात्रा ती करते थे जिसको हज कहा गया है सो मक्का सिर्फ़ रिलीजियस तौर पे ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी नहीं है इसके अलावा मक्का एक, एक ऐसे जगह पे लोकेटेड है जो कि ट्रेड रूट है बिटवीन यमेन एंड सीरिया सो अगर आप मैप में देखेंगे यमेन एंड सीरिया को सो जो ट्रेड रूट है जो इन दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करती है वहां के बीच में मक्का लोकेटेड है सो इससे ये जो सिटी है इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है इकोनॉमिकली फिर बता रखा है कि मक्का के श्राइन को बहुत ही पवित्र प्लेस माना जाता है एंड वहाँ पे वॉयलेंस करना मना है वहाँ पे वॉलेंस को प्रोवेट किया जाता है साथ ही वहाँ पे जाने वाले हर एक विजिटर्स को प्रोटेक्शन भी दिया जाता है सो पिलग्रिमेज एंड कॉमर्स की वजह से वहाँ पे आने वाले जो नोमैटिक ट्राइब थे और जो सेटल ट्राइब्स थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे और अपने बिलीफ्स एंड कस्टम को यानी कि अपने फेथ को और अपने रीति रिवाजों को एक दूसरे के साथ शेयर करें फिर बता रखा है कि जो पॉलिथिस्टिक अरब थे यानी कि वो अरब जो कि मल्टीपल गॉड के ऊपर विश्वास रखते हैं अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं सो so, वो लोग भी कही न, कहीं ना कहीं फैमिलियर थे अबाउट द नोशन ऑफ ए सुप्रीम गॉड अल्लाह मतलब कि जो प्रॉफिट मोहम्मद जिस धर्म का प्रचार कर रहे थे जिस धर्म के बारे में वो उपदेश दे रहे थे लोगों को अल्लाह के बारे में बता रहे थे सो जो पॉलिथिस्टिक अरब्स थे कहीं ना कहीं उनको भी इसके बारे में पता चल रहा था बट उनका जो अटैचमेंट था अपने देवी देवताओं के प्रति अपने मंदिरों के प्रति वो बहुत इमीडिएट एंड स्ट्रोंगर था मतलब कि बहुत ही क्लोज एंड बहुत ही स्ट्रोंगर कनेक्शन था अटैचमेंट था अपना देवी देवताओं के साथ सो so, अचानक से जो प्रॉफिट मोहम्मद एक न्यू रिलीजन को स्टेबलाइज कर रहे थे एक न्यू रिलीजन के बारे में इस्लामिक रिलीजन के बारे में जो लोगों को बता रहे थे सो so, उस रिलीजन को अरेबिया में स्टेबलाइज करना इतना ईजी नहीं था क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग जो थे वो मल्टीपल गॉड के ऊपर बिलीव रखते थे फिर बता रखा है कि अराउंड सिक्स मोहम्मद ने ये डिक्लेयर किया कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड जिसको रसूल कहा गया है सो प्रॉफिट मोहम्मद ये कहते हैं ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ साथ ही ये ये भी बोलते हैं कि भगवान ने मुझे कमांड दिया है भगवान ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं अल्लाह के बारे में लोगों को बताऊं और कहूं कि हमें सिंगल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही पूजा करनी चाहिए साथ ही प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ सिंपल रिचुअल्स भी बताए हैं कुछ सिंपल रीति रिवाज भी बताए हैं कि हमें अल्लाह की वर्शिप कैसी करनी चाहिए जैसे कि डेली प्रेयर्स सो so, जो भी व्यक्ति इस्लामिक रिलीजन में आता है जो भी व्यक्ति अल्लाह को मानता है अल्लाह की वर्शिप करता है उसे डेली प्रेयर्स करने होंगे साथ ही कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स भी बता रखे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स मतलब कि हमें दान दक्षिणा करना चाहिए जो नीडी पीपल है उसको दान देना चाहिए और साथ ही हमें चोरी वगैरह कभी भी नहीं करना चाहिए हमें दूसरे की प्रॉपर्टी को कभी भी इलीगली नहीं लेना चाहिए सो so, मोहम्मद ने एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स को भी फाउंड किया जो कि मैंने आपको बताया उमा सो so, ये जो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स था यहाँ पे हर एक मेंबर जो थे वो लोग एक कॉमन सेट ऑफ रिलीजन बिलीव से बाउंड थे मतलब कि उनका जो बिलीव था वो एक कॉमन रिलीजन के प्रति था एक कॉमन गॉड के प्रति था फिर बता रखा है कि जो मोहम्मद का जो मैसेज था जो मोहम्मद इस्लामिक रिलीजन के बारे में प्रचार कर रहे थे लोगों को उपदेश दे रहे थे सो so, ये जो मैसेज था वो मेनली मक्का में रहने वाले उन ट्राइब को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ज़्यादा अपील करती है जिन्हें लगता है कि मक्का में जो ट्रेड एंड रिलीजन इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है जो इकोनॉमिक गेन हो रहा है उसका फायदा उन्हें नहीं हो रहा है वो लोग वंचित है उस गेन से साथ ही ये जो ट्राइब थे वो मेनली एक न्यू कम्यूनिटी आइडेंटिटी खोज रहे थे सो so, उन लोगों के लिए उन ट्राइब पीपल के लिए मोहम्मद का जो मैसेज था अबाउट इस्लामिक रिलीजन वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था साथ ही उन्हें प्रोमिस किया गया कि ज, जिस दिन द डे ऑफ जजमेंट होगा उस दिन उन्हें सेलिब्रेशन मिलेगा उस दिन उन्हें मुक्ति मिलेगा सो so, वे लोग जो कि इस्लामिक रिलीजन को एडोप्ट कर रहे थे जो सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स यानी कि जो उमा का पार्ट बन रहे थे उमा के मेम्बर्स बन रहे थे सो so, उन लोगों को मुस्लिम्स कहा गया सो so, ये जो मुस्लिम पीपल थे उनको जल्दी ही ऑपोजिशन फेस करना पड़ा मेक्का में रहने वाले कुछ रिच ट्राइब पीपल से और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके डाइटीज़ को रिजेक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ा ऑफेंस किया है बहुत बड़ा पाप किया है मतलब जो उनके मतलब कि अलग अलग ट्राइब्स के जो अपने अपने देवी देवताएं थे उनको रिजेक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और ये जो न्यू रिलीजन जो है मतलब कि जो न्यू इस्लामिक रिलीजन जो डेवलप हो रहा था वो कहीं ना कहीं मक्का के प्रोस्पैरिटी एंड स्टेटस के लिए भी थ्रेट था मतलब मक्का के प्रोस्पैरिटी एंड स्टेटस के लिए भी एक ख़तरा था फिर क्या हुआ 622 में मोहम्मद को फोर्स किया गया कि वो अपने फॉलोवर्स के साथ माइग्रेट हो जाए टू मदीना सो so, मदीना एक दूसरा सिटी है इन अरेबिया जो कि करीब 453 किलोमीटर दूर है इन द नॉर्थन साइड सो जब मोहम्मद मिक्का से मदीना ट्रेवल करते हैं माइग्रेट करते हैं सो so, उनका जो जर्नी था फ्रॉम मिक्का टू मदीना उसको एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड इसी साल से जो मुस्लिम uh, कैलेंडर है जो इस्लामिक कैलेंडर है उसका भी बिगिनिंग होता है उसका भी शुरुआत होता है सो नेक्स्ट पेज में हम इस्लामिक कैलेंडर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता रखा है सो so, ये जो इस्लामिक कैलेंडर है जो मुस्लिम कैलेंडर है वो एक लूनर ईयर कैलेंडर है यानी कि वो मून के डायरेक्शन के ऊपर बेस रहेगा जो भी डेट्स वगैरह लिखेंगे वो मून के पोजिशन के ऊपर बेस रहेगा सो इस्लामिक कैलेंडर में मेरी थ्री डेज होते हैं ट्वेल्व मंथ्स होते हैं और ट्वेंटी नाइन या फिर थर्टी डेज होते हैं एंड मुस्लिम कैलेंडर में जो सनसेट का टाइम होता है उस सनसेट के टाइम से ही हर एक दिन का शुरुआत होती है सो so अगर मैं कंपेयर करूं मुस्लिम कैलेंडर को इस्लामिक कैलेंडर को विद द न्यू स्टाइल कैलेंडर जिसको ग्रीगोरियन कैलेंडर कहते हैं जिस कैलेंडर को हम लोग यूज़ करते हैं उसको ग्रीगोरियन कैलेंडर कहते हैं सो so दोनों अगर कैलेंडर को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो इस्लामिक कैलेंडर है वो 11 डेज शॉर्टर है मतलब उसमें ग्यारह दिन कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर एक सोलर कैलेंडर है मतलब कि वो सन के डायरेक्शन के ऊपर बेस रहता है सो so, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसको मेनली पोप ग्रिगोरी 13 ने स्टेबलाइज किया है इन फिफ्टीन फिर चैप्टर में बता रखा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा क्योंकि जब वो मक्का में रहते थे तो मक्का के जो रिच ट्राइब थे उन्होंने तो उसको फोर्स कर दिया कि वो अपने फॉलोवर्स के साथ माइग्रेट हो जाए तो अब मोहम्मद के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि वो अपने रिलीजन को कैसे सर्वाइव करते हैं सो इसके लिए उन्होंने सोचा कि अगर मुझे अपने रिलीजन को सर्वाइव करना है तो सबसे पहले मुझे कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स को सर्वाइव करना होगा सो तो मुझे उन लोगों को सुरक्षा देनी होगा जो कि इस रिलीजन के ऊपर विश्वास कर रहे थे जो उमा का मेंबर बन रहे थे सो so, अगर कम्युनिटी ऑफ बिलीवर से सरवाइव करते हैं देन ऑटोमेटिकली ये जो रिलीजन है ये भी सरवाइव करेगा सो so, इसके लिए उन्होंने क्या किया अपना कम्युनिटी को ज़्यादा इंटरनली मजबूत बनाया और साथ ही एक्सटर्नल डेंजर से भी अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया सो कंसोलिडेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए यानी कि इंटरनली मजबूत बनाने के लिए और बाहरी डेंजर से प्रोटेक्शन के लिए उस कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जैसे कि स्टेट या फिर एक गवर्नमेंट सो so, इसके लिए मोहम्मद ने क्या किया उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया इन मदीना और उन्होंने अपना जो फॉलोवर्स है उसको प्रोटेक्ट किया उसको प्रोटेक्शन दिया जिस प्रोटेक्शन की उन्हें ज़रूरत थी साथ ही जो सिटी में सिविल स्ट्राइक चल रहे थे जो सिविल आप कह सकते हैं जो विवाद चल रहे थे उसको भी उन्होंने रिसॉल्व कर दिया थ्रू दिस पॉलिटिकल ऑर्डर सो हमने देखा कि ये जो कमेटी था उसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल था फिर उमा जो था जो एक सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स था उसको कन्वर्ट किया गया इनटू अ वाइडर कम्युनिटी उसको और ज्यादा बढ़ाया गया ताकि जो पॉलिथिस्ट एंड जो ज्यूज थे मदीना के वो भी इस रिलीजन को अडॉप्ट कर सके और मोहम्मद के पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में आ सके सो so, जो मोहम्मद है वो अपने रिलीजन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपना फेथ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा रिचुअल्स ऐड करते हैं अपने रिचुअल्स को रिफ़ाइन करते हैं अपने फॉलोवर्स के लिए जैसे कि वो फास्टिंग वग़ैरह ऐड करते हैं वर्शिप के रिचुअल्स में साथ ही कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स भी वो बताते हैं So, ये जो कम्युनिटी थी जो उमा थी वो मेनली एग्रीकल्चर और ट्रेड पे सरवाइव करती थी मतलब एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के बेसिस पे वो सरवाइव करती थी साथ ही उन्हें एक टैक्स भी मिलता था जिसको जाकत कहते हैं और इन सब के अलावा जो मुस्लिम्स थे वो कभी कभार रेड भी करते थे कभी कभार अटैक भी करते थे और मैकन कैरेवेंस एंड नीयर बाई ओएसिस सो ओएसिस का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ओएसिस डेजर्ट में एक प्लेस होता है जहाँ पे आपको वाटर मिल जाएगा और साथ ही प्लांट्स भी वहाँ पे ग्रो होते हैं सो so, जब जो मुस्लिम्स थे जब वो लोग लो मक्का पे अटैक करने लगे सो so, जो मक्कन्स थे वो लोग भी कहीं ना कहीं उनका जो रिएक्शन था वो भी डेंजर हो गया एंड इसके कारण बहुत ज़्यादा बैटल्स भी होने लगे सो so, कुछ बैटल्स के बाद फाइनली जो मोहम्मद थे उन्होंने मक्का को कॉन्क्योर कर लिया और इसकी वजह से जो मोहम्मद का रेपुटेशन था जो उनका फेम एंड ऑनर था एज अ रिलीजियस प्रेशर एंड पॉलिटिकल लीडर वो और ज़्यादा स्प्रेड होता गया फार एंड वाइड दूर दूर तक उनका जो रेपुटेशन था वो फैलते गया फिर मोहम्मद ने ये इंसिस्ट किया कि अगर कोई भी जो दूसरा ट्राइब का मेम्बर है अगर उसको इस कम्युनिटी का मेम्बर बनना है यानी कि उमा का मेम्बर बनना है तो उसके लिए एक सिंगल क्राइटेरिया है वो ये है कि उसे अपना धर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इस्लामिक रिलीजन को अडॉप्ट करना पड़ेगा सो so, जब मोहम्मद के इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स होने लगे सो so, इनसे इम्प्रेस हो के बहुत सारे जो ट्राइब्स थे मेनली बैडवेंस जो कि एक नोमैडिक ट्राइब है तो वो लोग उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने लगे जो कि इस्लामिक कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करने लगे और वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए वो लोग इस्लामिक रिलीजन को अडोप्ट करने लगे और जो मदीना है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन जाता है इस्लामिक स्टेट का और जो मक्का है वो एक रिलीजियस सेंटर बन जाता है और जो काबा था जो कि होली प्लेस माना जाता था पवित्र स्थान माना जाता था सो काबा को भी क्लीन किया गया वहाँ पे रखे गए अलग अलग गॉड गॉडेसेस की जो मूर्तियाँ थी उसको हटाया गया क्योंकि जो मुस्लिम्स थे जो कि इस कम्युनिटी के जो मेंबर थे उन्हें जब प्रेयर्स करना होता था तो वो लोग काबा के तरफ फेस करके वो लोग प्रेयर करते थे इसीलिए काबा में से अलग अलग गॉड गॉडेसेस की मूर्तियाँ को हटा दिया गया सो so, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही कम टाइम में जो मोहम्मद थे वो अरेबिया के बहुत सारे लोगों को यूनाइट कर देते हैं अंडर अ न्यू फेथ कम्युनिटी एंड स्टेट मतलब कि बहुत ही कम टाइम में वो एक न्यू रिलीजन को स्टेबलाइज कर देते हैं अरेबिया में एंड अरेबिया के ज्यादातर जो लोग थे वो इस रिलीजन को मानने लगते हैं एंड यहीं से इस्लामिक रिलीजन की शुरुआत होती है सो so विद हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सो so अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँ सो so आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो अगर आप ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरा न्यू वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सो so, मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो